अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एल्जेब्राइक फंक्शंस। एल्जेब्राइक फंक्शंस किसको बोलते हैं? एक्स रेज टू द पावर एन, वेयर एन इज एनी रैशनल नंबर। ये कैपिटल क्यू लिखे हैं, कैपिटल क्यू रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रियल नंबर लाइन पे ऐसा कोई भी नंबर जो इंटीजर बटे इंटीजर के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके उसको हम लोग रैशनल बोलते हैं। रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन यही है, इंटीजर बटे इंटीजर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.43 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको 243 डिवाइडेड बाय 100 इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सब हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर नहीं है, यानी हम साबित कर सकते हैं कि ये नंबर कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर बट इंटीजर, कैनॉट बी। अब वो डिस्कशन अभी नहीं करेंगे हम लोग, वो आप 10वां क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं और इस तरह के सवाल को भी आप वहां बनाए हैं कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये सब इरेशनल नंबर है। वो डिस्कशन अभी हम लोग नहीं करेंगे। तो अभी हम ये बता रहे थे कि किस तरह का फंक्शंस को कहेंगे अल्जेब्राइक फंक्शंस। एक्स रेज टू द पावर ऑफ एन टाइप का, एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 3/2, एक्स टू द पावर -1, एक्स टू द पावर 5/6, पूरा एक झुंड है। एक्स रेज टू द पावर ऑफ एनी रैशनल नंबर, इस टाइप के फंक्शंस को कहेंगे अल्जेब्राइक फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात कि एक्स रेज टू द पावर ऑफ रैशनल नंबर, यानी हम ऐसा कोई फंक्शन एक्स रेज टू द पावर ऑफ √2, ऐसा कोई मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग नहीं डिफाइन। फंक्शंस हम लोग डिफाइन करते हैं, फंक्शंस अपने से नहीं क्रिएट होता है, फंक्शंस हमारा भाषा है। यानी एक्स रेज टू द पावर 2/3 फंक्शन को अगर हम समझ गए हैं तो हम x इक्वल टू 8 डालने पर ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। 8 रेज टू द पावर ऑफ 2/3 बोलेंगे लेकिन उसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, या इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ 8 का क्यूब रूट, दोनों सेम आंसर आना चाहिए। यह है क्यूब रूट ऑफ 8, 2 हम जान के लिए होंगे ना, ऐसा नंबर हम जान के लिए हैं। अभी हम यहीं पे x इक्वल टू 9 डालेंगे तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो हम नहीं बता पाएंगे वो नंबर, केवल लिखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट सिर्फ लिखना ही है और समझना है कि हम क्या लिखे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इसका वैल्यू बता दें कैलकुलेट करके। ये हम एक एग्जाम्पल के रूप में लिख रहे हैं चेक करने के लिए कि हम लोग इस फंक्शन को समझे हैं कि नहीं। तो क्यूब रूट ऑफ 8 निकालेंगे 2, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4। यहां पहले स्क्वायर कर देंगे 64, और 64 का क्यूब रूट 4। 4 × 4 × 4, 4 का क्यूब करने पर 64 के बराबर होता है, तो 64 का क्यूब रूट 4। अगर हम x रेस टू 8 रेस टू द पावर ऑफ -1/3 लिखें तो किसका क्या मतलब है देखें। यहां कौन सा फंक्शन है जो आपको समझाना होगा हमको, हमको x रेस टू द पावर -1/3 ये फंक्शन है, एक अल्जेब्राइक फंक्शन है। इसमें x के जगह हम 8 डालेंगे तो ये कौन सा नंबर रिटर्न करेगा, वही लिखे हैं ये। तो क्या इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि नहीं। अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन कर दें x रेज टू द पावर -1/3 का मतलब होगा रेसिप्रोकल ऑफ x टू द पावर 1/3। यहां जब माइनस साइन लिखेंगे तो हमेशा उसका मतलब होगा 1 दैट नंबर। ये पहले से डिसाइड हो गया है। अगर अब आप इसका मतलब समझ सकते हैं
इसका मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। और अब चूंकि आप 8 रेस टू द पावर 1/3 का डेफिनेशन पहले से जानते हैं क्यूब रूट ऑफ का, तो आप इसका वैल्यू 1/2 लिखेंगे। अब 1/2 को अगर आवश्यकता हो तो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि हर फंक्शन का हम एक ग्राफ बना पाए। कैसे बनाएंगे चित्र, उस पर डिस्कशन हम लोग बहुत विस्तार से कर चुके हैं। हर फंक्शन का जो सेट है वो जोड़ा जोड़ा में नंबर है, x1, y1, x2, y2, ये यूनिक है ये सेट। स्क्वायर फंक्शन के सेट में जो एलिमेंट्स होगा वो क्यूब फंक्शन के सेट में नहीं होगा, क्यूब रूट के फंक्शन के सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स होगा। अब इसमें स्क्वायर फंक्शन के सेट में एक जोड़ा नंबर होगा 2, 4, लेकिन क्यूब फंक्शन के सेट में 2, 4 नहीं होगा, 2, 8 होगा। तो हम लोग अब किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, दो रियल नंबर लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर रियल नंबर लाइन, एक को एक्स एक्सिस एक को वाई एक्सिस नाम से संबोधित करेंगे। ये हमारा ग्राफ पेपर बोलते हैं इसको। और यहां आप इमेजिन कीजिए कि ढेर सारा हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस बना हुआ है, ढेर सारा। हर हॉरिजॉन्टल लाइन का एक नाम है और हर वर्टिकल लाइन का भी एक नाम है। इसको हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं, इसके अलोंग जो नंबर्स लिखा है वो पहला संख्या है, यानी फंक्शन के डोमेन में से उठाया गया जो नंबर होगा उनको हम एक्स सिंबल से डोनेट कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो दूसरा संख्या है जो कि इस फंक्शन का वैल्यू है फॉर दिस एक्स, जिसको एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, हम उसको फिलहाल वाई बोलेंगे। यानी जब भी हम y लिखेंगे तो आप समझेंगे कि x के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू है उसको हम y बोल रहे हैं, रेंज। तो हर फंक्शन जोड़ा जोड़ा नंबर के कलेक्शन के रूप में एक्सप्रेस होता है, और हर जोड़ा नंबर को हम एक पॉइंट के रूप में दिखा सकते हैं। ये हम लोग सीखे हैं, एवरी पेयर ऑफ नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डॉट। अब हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए इन वर्टिकल लाइंस का नाम याद करा दें आपको, क्या बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं x=0 लाइन, x=1 लाइन, x=2 लाइन, x=3, x=4 एंड सो ऑन, x=-1 लाइन, x=-2 लाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस लाइन पे जितना भी पॉइंट्स है उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट वेरिएबल है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग y=0 लाइन, y=1, y=2, y=-1, y=-2 बोलते हैं। ये नाम बहुत जरूरी है समझना। यहां पे एक पॉइंट हम दिखाए हैं कलम से, इस पॉइंट का भी एक नाम है, पूछे क्या नाम है इस पॉइंट का, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे। यही डिसाइड हुआ है ना हमारे बीच में कि जब भी हम किसी पॉइंट का नाम पूछेंगे, मैथमेटिक्स में उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, बताइए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, तो आप वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन टू द एक्स एंड द वाई एक्सिस, ये वाला रीडिंग को बोलते हैं उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और उस नंबर को बोलते हैं उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। आप एक जोड़ा नंबर लिखेंगे -3, 3, ऑर्डर में लिखना है, यानी पहला संख्या x कोऑर्डिनेट लिखेंगे और दूसरा y कोऑर्डिनेट। तो जितना भी पॉइंट यहां दिख रहा है हर पॉइंट का एक नाम है, ए नंबर्स पेयर ऑफ। और जितना भी लाइंस दिख रहा है, लाइंस और कुछ नहीं बल्कि पॉइंट्स का ही कलेक्शन है ये, जिस लाइन का नाम हम x=1 बोल रहे हैं, ये कई नजदीक 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 पॉइंट्स का एक कलेक्शन है। और इस पूरे लाइन का नाम हम क्यों x=1 रख रहे हैं वो हम लोग डिसाइड कर लिए। इस यहां पे हम कोई भी एक चित्र बना दें
तो उस चित्र का भी एक नाम है, क्योंकि हर चित्र खास 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 पॉइंट से गुजरता है तब एक चित्र बनता है। तो एवरी चित्र इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, और उनके y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में कोई ना कोई संबंध होगा। जैसे यहां y कोऑर्डिनेट जो है, अगर आप इस फंक्शन का चित्र बनाना चाहते हैं तो उस चित्र पे जितना भी डॉट्स होगा, हर डॉट का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू अपने x कोऑर्डिनेट के साथ रिलेटेड होगा थ्रू दिस इक्वेशन। इस तरह से दोनों में संबंध होगा, द y कोऑर्डिनेट मस्ट इक्वल f ऑफ x कोऑर्डिनेट। जैसे आप स्क्वायर ऑफ x फंक्शन का चित्र बना रहे हैं, इधर y एक्सिस के अलोंग फंक्शन का वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं और x एक्सिस के अलोंग इनपुट को प्लॉट कर रहे हैं, यानी ये सब नंबर्स हैं इनपुट और ये सब नंबर्स को कहते हैं आउटपुट वैल्यूज। तो अगर आप स्क्वायर फंक्शन का चित्र बना रहे हैं तो यहां पे कौन कौन डॉट्स को लोकेट करेंगे जिनका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में क्या संबंध होना चाहिए। द y कोऑर्डिनेट मस्ट इक्वल स्क्वायर ऑफ x, यानी कि अगर x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट मस्ट बी चोजन। जैसे ये वाला वर्टिकल हम लोग ग्राफ बनाने के लिए x इक्वल टू वर्टिकल लाइंस, हर वर्टिकल लाइन पे एक डॉट बनाएंगे। जैसे x इक्वल टू 2 लाइन पे बहुत सारा डॉट्स है, लेकिन हम सिर्फ एक डॉट बनाएंगे इस लाइन पे। अगर स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो x इक्वल टू 2 लाइन पे, यानी स्क्वायर फैक्ट्री में 2 डालने पर जो ये रिटर्न करेगा वही पॉइंट हमको चाहिए, तो वो 4 रिटर्न करेगा। तो x इक्वल टू 2 लाइन पे जो हम डॉट बनाएंगे वो 2.3 नहीं, 2.2 नहीं, 2.1 नहीं, 2.-1 नहीं, 2.-1/2 नहीं, 2.4 अ यूनिक डॉट बनाएंगे। अगर हम क्यूब फंक्शन का ग्राफ बना रहे होते तो इस वर्टिकल लाइन पे हम डॉट 2.8 यहां बनाते। अगर हम 1x^-1 का ग्राफ बना रहे होते तो इसमें x के जगह 2 डालने पर ये जो नंबर रिटर्न करता है वो 1/2, तो 2, इस लाइन पे जो हम डॉट डालते हाफ, यानी हाफ ऊंचाई, यहां से वहां तक का ऊंचाई 1 है, उसके बीचों बीच यहां पे डॉट डालते। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ x फंक्शन का ग्राफ बना रहे होते तो x इक्वल टू 2 लाइन पे 2 डालने पर जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसका वैल्यू लगभग 1.414 होता है, तो इसी लाइन पे 1 और 2 के बीच में है 1.5, यहां कहीं 1.4, यहां पे हम डॉट बनाते, यानी यहां से 1.414 ऊंचाई पे। तो हर वर्टिकल लाइन पे हम एक एक डॉट डालेंगे। जैसे हम स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो हम उसका डोमेन जानते हैं x इक्वल टू -∞ से x इक्वल टू +∞ के बीच में वो स्क्वायर फंक्शन डिफाइन है। तो अपना वर्टिकल लाइन स्टार्ट करेंगे x इक्वल टू -∞ से मूव करना और धीरे धीरे इसको हम x इक्वल टू +∞ की तरफ ले जाएंगे। और इस पर एक कलम है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, जो कि जैसे ही हम x इक्वल टू -4 लाइन पे पहुंचेंगे तो ये कलम तेजी से ऊपर उठेगा और 16 ऊंचाई पे जाके एक डॉट बनाएगा। अगर हम स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, जैसे ही वर्टिकल लाइन मेरा x इक्वल टू -3 पे पहुंचेगा, कलम तुरंत नीचे घसक के और 9 ऊंचाई पे एक डॉट बना देगा। -2 पे पहुंचेंगे तो 4 ऊंचाई पे एक डॉट बना देगा। -1 पे पहुंचेंगे तो 1 ऊंचाई पे एक डॉट बना देगा। जैसे ही 0 पे पहुंचेंगे, कलम और नीचे आके 0 ऊंचाई पे, यानी y एक्सिस से ऊंचाई 0। हर वर्टिकल लाइन पे अनगिनत डॉट में से एक डॉट मेरा कलम चुनेगा, 1 पर्टिकुलर डॉट। और इन सब को अगर हम लोग स्मूथली ज्वाइन करें पॉइंट्स को, तो मेरा ये ग्राफ बन गया
एक्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ तैयार हो। फिर से सुन ले थोड़ा ध्यान से, वर्टिकल लाइन इतना दूर दूर नहीं बनाया जाता है, एकदम नजदीक 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 कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। आपका वर्टिकल लाइन कूद कूद करके यहां से कूद के यहां, यहां से कूद के यहां, नहीं वैसे नहीं गया है, उसको डिसकॉन्टिन्यूस बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को एकदम जैसे झाड़ू देते हैं, स्वीप करते हैं, उसको कॉन्टिन्यूसली मूव करना है ओवर द एंटायर डोमेन, जहां से जहां तक आपका फंक्शन डिफाइंड हो। जैसे हम अगर रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, यानी वाई बराबर रूट एक्स, इस फैक्ट्री में इनपुट को एक्स बोलते हैं और जो आउटपुट रिटर्न करता है उसको रूट एक्स बोलते हैं, हम उसको फिलहाल वाई बोल रहे हैं, यानी हम रूट एक्स को ही वाई बोल रहे हैं। तो अगर हम रूट एक्स फैक्ट्री का ग्राफ फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो इसमें जो इनपुट है वो एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर के एक्स इक्वल टू प्लस इंफिनिटी के बीच में वैरी करता है इसका डोमेन। तो हम यहां से वर्टिकल लाइन शुरू करेंगे और प्लस इंफिनिटी की तरफ ले जाएंगे, इधर वाले वर्टिकल लाइंस पे कोई डॉट नहीं मिलेगा। अगर हम एक्स इक्वल टू माइनस टू पोजिशन पे हैं वर्टिकल लाइन, और आपसे पूछें कि फंक्शन का वैल्यू बताइए जल्दी से ताकि हम डॉट बना सके, इतने में से कौन डॉट, तो आप तुरंत कहेंगे कि वहां पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, आगे बढ़ो। तो हम x इक्वल टू जीरो ऑनवर्ड्स ही अपने वर्टिकल लाइन को शिफ्ट करेंगे। x इक्वल टू जीरो हम हर वर्टिकल लाइन पे कुछ डॉट्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4, 5। अब x इक्वल टू जीरो पे डॉट होगा जीरो हाइट पे, यानी यहीं पे डॉट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो। x इक्वल टू वन पे आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वन, वन हाइट पे। फिर x इक्वल टू टू थोड़ा सा हाइट बढ़ जाएगा क्योंकि 1.414 हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ टू। फिर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री थोड़ा सा और डॉट ऊपर चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का वैल्यू 1.732 होता है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ फोर थोड़ा सा और डॉट इस वर्टिकल लाइन पे, हम देखिए स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बना रहे थे जब, तो x इक्वल टू फोर लाइन पे 16 ऊंचाई पे डॉट बनाते हैं, x इक्वल टू फाइव पे 25 ऊंचाई पे बनाते हैं, लेकिन एक रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2.2 समथिंग। इस तरह से हम डॉट्स बनाते जाएंगे, डॉट्स ऊपर ऊपर तो होता जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 8 से बड़ा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू, उससे बड़ा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 10, लेकिन डॉट्स धीरे धीरे बढ़ेगा। तुलना करके देखें स्क्वायर फंक्शन में डॉट्स बहुत तेजी से भाग रहा था, x इक्वल टू थ्री पे हाइट था 9, वन यूनिट घस के आप x इक्वल टू फोर और हाइट चला गया 9 से बढ़ के 16, 7 का चेंज हो गया। जबकि स्क्वायर रूट फंक्शन के ग्राफ में आप 3 पे हाइट है 1.732 और जब 4 पे पहुंचे तो हाइट थोड़ा सा बढ़ गया, 1.732 से बढ़ के 2 हाइट हो गया, यानी कि 0.3 यूनिट्स का राइज मिला है बोलते हैं, वन यूनिट खसकने से आपको राइज मिला है 0.3 यूनिट्स का। यही जबकि एक्स स्क्वायर फंक्शन में देखते x इक्वल टू 3 पे द हाइट इज 9 एंड x इक्वल टू 4 पहुंचने पे द हाइट इज, हाइट ऑफ द ग्राफ इज 16, यानी कि आप थोड़ा सा x चेंज हुआ है, वन यूनिट का चेंज, आप वर्टिकल लाइन को शिफ्ट किए हैं बाई वन यूनिट, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि फंक्शन का वैल्यू इंडिकेट करता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस फंक्शन का वैल्यू इंडिकेट करता है एंड वर्टिकल लाइंस एक्स का वैल्यू इंडिकेट करता है एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस फंक्शन का वैल्यू फॉर दैट एक्स। तो जब आप एक्स इक्वल टू थ्री पे थे तो फंक्शन का वैल्यू 9 था, एक्स इक्वल टू फोर पे चले गए फंक्शन का वैल्यू 16 हो गए। तो हम यहां से वहां के दूरी को 1 कह रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं कि x के वैल्यू को हम 1 यूनिट से जब बदले तो फंक्शन का वैल्यू में 7 यूनिट्स का चेंज हम पाए, 16 माइनस 9 इज 7। जबकि स्क्वायर रूट फंक्शन में हम 1 यूनिट का चेंज किए वैल्यू ऑफ x में, तो y फंक्शन के वैल्यू में जो चेंज मिला अ स्मॉल चेंज 0.3 का चेंज हुआ। यानी हम भविष्य में ऐसा सीखेंगे, कहेंगे ये
कि ये फंक्शन स्क्वायर फंक्शन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है रूट एक्स फंक्शन के तुलना में। जैसे जैसे एक्स के वैल्यू को बड़ा और बड़ा और बड़ा करते जाते हैं फंक्शन का वैल्यू भी बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है, इसमें भी बड़ा होता है। जैसे जैसे हम एक्स के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग डायरेक्शन। तो हम वर्टिकल लाइन को अपने पूरे डोमेन में घुमाना है फंक्शन के। तो जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग दिशा में ले जाते हैं वर्टिकल लाइन को फंक्शन का वैल्यू शुरू में तो देख रहे हैं कि घटता है, डॉट यहां था अब नीचे आ गया और नीचे आ गया, यानी फंक्शन का वैल्यू यहां था जब आप वर्टिकल लाइन घसकाए तो फंक्शन का वैल्यू घट के नीचे आ रहा है। दिस इज डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो जैसे जैसे वर्टिकल लाइन को घसका रहे हैं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक, वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, धीरे धीरे डॉट्स नीचे आ रहा है। जीरो के बाद फंक्शन का वैल्यू बढ़ने लगता है, डॉट्स ऊपर जाने लगता है, जबकि स्क्वायर रूट फंक्शन का जो ग्राफ है वो अपने पूरे डोमेन में एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में लगातार ऊपर 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 ही जाता रहेगा। लेकिन दोनों को तुलना भी करें, अगर जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही दोनों को तुलना करें, तो हम पाते हैं कि इस ग्राफ इस फंक्शन के बढ़ने का दर इस फंक्शन के बढ़ने के दर से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और अगर इसी में हम क्यूब फंक्शन का ग्राफ बना ले, देखिए बनाते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, अब आपको जीरो क्यूब जो भी वैल्यू आएगा इस लाइन पे डॉट वहीं बनाएंगे, तो हम वाई कोऑर्डिनेट जीरो यहीं पे, एक्स इक्वल टू वन पे एक्स क्यूब का वैल्यू भी वन, तो डॉट यहीं बनाएंगे। एक्स इक्वल टू टू पे डॉट अब फोर ऊंचाई पे नहीं बल्कि एट ऊंचाई पे बनाएंगे, एक्स इक्वल टू थ्री पे नाइन ऊंचाई पे नहीं बल्कि 27 ऊंचाई पे बनाएंगे। अब बना नहीं सकते हैं, समझ जाइए कि वो 27 है। और एक्स इक्वल टू हाफ बीच बीच में भी हम कुछ डॉट्स बनाते चलें, क्योंकि इतना दूर दूर डॉट्स बनाने से पिक्चर क्लियर नहीं होता है। एक्स इक्वल टू हाफ एक लाइन है बीच में जीरो और वन के, तो हाफ का स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो डॉट का हाइट होगा 1/4, यानी ये हाइट 1 है, 1 का 1/4 हाइट पे डॉट बनेगा। लेकिन जब क्यूब फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो 1/2 क्यूब, क्यूब फंक्शन में x इक्वल टू हाफ डालिएगा तो 1/2 क्यूब यानी 1/8 रिटर्न करेगा, जो उस डॉट से थोड़ा नीचे होगा। तो x क्यूब का जो ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर ग्राफ के थोड़ा नीचे नीचे जाता है। जीरो से वन के बीच में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए और किसी भी नंबर का उसी नंबर का क्यूब कीजिए तो क्यूब करने पर थोड़ा और छोटा नंबर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में अगर आप जीरो से वन के बीच में कोई नंबर डालते हैं तो ये जो भी नंबर रिटर्न करेगा ये उससे भी छोटा नंबर होगा। फ्रैक्शंस है, ये नंबर को फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे हम अगर 1/2 एक नंबर डालें तो यहां से 1/2 स्क्वायर मिलेगा और यहां से 1/2 क्यूब, तो चूंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसीलिए ये नंबर उससे छोटा है। दिस इज 1/8, 1 यूनिट का आठवां हिस्सा, एंड दिस इज 1/4, तो ये बड़ा है ये छोटा है। तो 0 से 1 के बीच में वर्टिकल लाइन पे जो डॉट्स बनाएंगे क्यूब फंक्शन का ग्राफ स्क्वायर फंक्शन के ग्राफ के नीचे नीचे होगा। वन पे दोनों ग्राफ मीट कर रहा है और जीरो पे भी दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम है, यानी 0.0 एलिमेंट और 1.1 एलिमेंट वो एक्स स्क्वायर फंक्शन के भी सेट में पाया जाता है और एक्स क्यूब फंक्शन के सेट में भी दोनों पाया जाता है। तो इसीलिए आपको ग्राफ पे भी दिखेगा, दोनों ग्राफ पे वो पॉइंट कॉमनली दिखेगा, उसको कहते हैं कि दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को कट करेगा एट टू पॉइंट्स, एक 0.0 और एक 1.1। वन के बाद एक्स इक्वल टू वन से बड़ा कोई नंबर अगर डालिएगा, वन से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर, तो अब ये नंबर से बड़ा होगा ये नंबर। जैसे टू डाले तो ये स्क्वायर ऑफ टू होगा और ये क्यूब ऑफ टू, दिस नंबर विल बी लार्जर। थ्री डाले तो स्क्वायर ऑफ थ्री और क्यूब ऑफ थ्री। तो वन के बाद क्यूब फंक्शन का ग्राफ अब ऊपर ऊपर हो जाएगा, हर डॉट क्यूब का ऊपर दिखेगा आपको
स्क्वायर से, तो क्यूब का ग्राफ यहाँ नीचे होगा, और इस तरफ x इक्वल टू माइनस वन पे स्क्वायर फंक्शन का वैल्यूज पॉजिटिव नंबर्स आता है, नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर पॉजिटिव, लेकिन क्यूब का वैल्यू नेगेटिव रहता है, इसीलिए डॉट्स नीचे बनेगा। x इक्वल टू माइनस वन डालिएगा इसमें तो प्लस वन रिटर्न करेगा, लेकिन इसमें डालिएगा तो माइनस वन, तो यहां पे हमको डॉट बनाना होगा x इक्वल टू माइनस वन कॉमा माइनस वन, माइनस टू कॉमा माइनस एट, माइनस थ्री कॉमा माइनस 27, यानी x क्यूब फंक्शन का ग्राफ इधर होगा। इस तरह से ग्राफ होगा x क्यूब फंक्शन का ग्राफ। ये चट्टा हो गया है, थोड़ा एक्स स्क्वायर के नीचे है, अब फिर एक्स स्क्वायर को कट किया और फिर अब एक्स स्क्वायर से ऊपर हो गया, दैट इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब। इस तरह से बारी बारी से करके हमको सभी अलजेब्राइक फंक्शंस का ग्राफ बनाना है। अलजेब्राइक फंक्शंस में, अलजेब्राइक फंक्शंस का जो झुंड है, जिस झुंड में एक्स रेस टू द पावर रैशनल नंबर है, एक्स रेस टू द पावर 2/3, एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर माइनस वन, एक्स टू द पावर माइनस 5/6, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 2, तो इसमें x टू द पावर नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो एल्जेब्राइक फंक्शंस का सबसेट है, x रेस टू द पावर नेचुरल नंबर्स। इनको हम लोग एक नाम से संबोधित करते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। x रेस टू द पावर हाफ को मोनोमियल नहीं बोलते हैं, सिर्फ x रेस टू द पावर एनी नेचुरल नंबर, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू, ये सब अलजेब्राइक फंक्शंस का ही कैटेगरी में है। जैसे एनी फोर साइडेड पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्वाड मतलब फोर, फोर साइडेड को क्वाड्रिलेटरल, थ्री साइडेड को ट्रायंगल बोलते हैं। पर ट्रायंगल में कुछ खास ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलिस बोलते हैं, कुछ खास ट्रायंगल है जिसको हम लोग इक्विलैटरल बोलते हैं, कोई खास ट्रायंगल्स है जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये सब ट्रायंगल्स के ही बड़े सेट का सबसेट्स है। उसी प्रकार अलजेब्राइक फंक्शंस का जो सेट है उस सेट में एक सबसेट है एक्स रेस टू द पावर नेचुरल नंबर्स, जिनको मोनोमियल्स बोलते हैं। अभी देखिए ना, अभी जो हम दो ग्राफ आपके सामने बनाए हैं, वो मत समझिएगा कि हम समाप्त हो गया एक्स स्क्वायर का पढ़ाई और क्यूब ऑफ एक्स का पढ़ाई, अभी बहुत बाकी है। लेकिन अभी दो ग्राफ जो बनाए हैं वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना हो ना एफ ऑफ एक्स, तो इधर हम फंक्शन का जो वैल्यूज रिटर्न करता है वो उसके पूरे डोमेन में से एक एक करके, अगर ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर x इक्वल टू माइनस फाइव से लेकर के अगर डिफाइंड है x इक्वल टू सेवन तक के बीच का सभी रियल नंबर्स, तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे हम x इक्वल टू माइनस फाइव से शुरू करेंगे वर्टिकल लाइन, और x इक्वल टू सेवन तक हम उसको ले जाएंगे। उतने दूर में बनेगा हर वर्टिकल लाइन पे एक डॉट 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 डॉट, आ सबको ज्वाइन कर देंगे, वो जो चित्र बनेगा वही कहलाएगा इस फंक्शन का चित्र। तो हम अभी सिर्फ आपको सिखाना चाह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का पढ़ाई हम लोग करेंगे, हर फंक्शन तो जोड़ा जोड़ा नंबर्स का सेट है, तो हम उसको चित्र के रूप में बना पाएंगे, ये सीख रहे हैं। अभी आपको हम स्क्वायर फंक्शन और क्यूब फंक्शन के का मास्टर नहीं बनाए, बनाना है। तो x रेस टू द पावर नेचुरल नंबर्स, इस तरह के फंक्शंस को बोलेंगे मोनोमियल्स, ऑफ डिग्री 2, मोनोमियल ऑफ डिग्री 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। x रेस टू द पावर 20, इस फंक्शन को बोलेंगे अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 20। अगर मोनोमियल्स को कंबाइन करके कोई फंक्शन बनाए तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे हम 5x माइनस 7 एक मोनो फर्स्ट डिग्री का मोनोमियल का इस्तेमाल करके एक फंक्शन बनाए, एक सेकेंड डिग्री मोनोमियल एक फर्स्ट डिग्री मोनोमियल का इस्तेमाल करके हम एक फंक्शन बनाए, तो हम ऐसे फंक्शंस को बोलेंगे
पॉलिनोमियल्स, और जो हाईएस्ट डिग्री का मोनोमियल हम इस्तेमाल करेंगे उस फंक्शन पॉलिनोमियल को बनाने के लिए, वही कहलाएगा डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे ये कहलाएगा फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स, ये कहलाएगा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स। 5x² - 9 ये भी कहलाएगा, जो हाईएस्ट डिग्री का मोनोमियल आपको दिखे वही कहलाएगा डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर हम यहां एक्सप्रेशन एक लिख रहे हैं 7x³ - 2x + 1, तो ये एक फंक्शन है, इसका भी ग्राफ बनेगा। आप इसमें भी हम x के जगह 0 डालेंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, 1 डालेंगे तो 6 रिटर्न करेगा, 2 डालेंगे पता नहीं क्या रिटर्न करेगा। तो जोड़ा जोड़ाने में नंबर्स, इसका भी डोमेन ऑफ डेफिनेशन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। हम वर्टिकल लाइन घसकाते जाएंगे, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके फंक्शन का वैल्यू बताते जाइएगा। जैसे हम एक्स इक्वल टू -1 पे पहुंचे, आप तुरंत -1 डालिए, कैलकुलेट कर दीजिए, एक नंबर ले आइए -7 + 2 + 1 - 4, तो हम तुरंत यहां पे एक डॉट बना देंगे, हम उसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। अब x इक्वल टू 0 पे हम चले गए, आप जल्दी से 0 डालिएगा, एक नंबर कैलकुलेट करके बताइएगा, 1 पे चले गए एक नंबर बताइएगा, इन सब नंबर को हम ज्वाइन करेंगे और ग्राफ बना देंगे। ये जो ग्राफ बनेगा वो इस फंक्शन का ग्राफ होगा। एग्जैक्टली हम उन्हीं डॉट्स को खोजते हैं एक्स वाई प्लेन में, उन डॉट्स को, अनगिनत डॉट्स है पर हमको उन डॉट्स को खोजना है जो इस फंक्शन के सेट में है, x1, 7x³ - 2x1+1, x2, 7x³ - 2, जिसको हम संक्षेप में y1, x2, y2, x3, जिसको y1, y2, y3 बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं ना। दीज आर दी वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन फॉर x = x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन फॉर x = x2, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम हर फंक्शन का ग्राफ बनाने में माहिर होना है हमको, एक एक करके, एक बार में एक। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे मोनोमियल्स का ग्राफ बनाना सीखेंगे, x^1 का ग्राफ, x^2 का ग्राफ बनाएंगे, फिर x^3 का, फिर x^4 का, फिर x^5 का, x^20 का, x^ कोई नेचुरल नंबर, जहां बोलेंगे आप बोलना, बात मेरा समाप्त होते होते आप ग्राफ बता देंगे, वैसा हो जाना है हमको एवरी मोनोमियल। फिर मोनोमियल्स को कंबाइन करके अगर कोई पॉलिनोमियल बनता है तो हमको पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाना सीखना है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमको सिर्फ सीखना है फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाना सीखना है, थर्ड डिग्री का नहीं। यानी हम इस तरह के फंक्शंस का ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हम लोग सीखेंगे फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। पॉपुलरली फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस को लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स कहा जाता है, पॉपुलर नाम। पॉपुलरली सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस को क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स कहा जाता है, यानी कि ax + b टाइप का कोई फंक्शन, जहां a और b को कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो a और b के स्थान पे कोई भी रियल नंबर आप लिख दीजिए, बस हम तुरंत ग्राफ बना देंगे। अगर आप लिख दीजिए 2x + 3 का ग्राफ बनाना है, तो हम पहले वो सेट मालूम होना चाहिए, 0, 3 कैलकुलेट किए, x के जगह 0 डाले और इस फंक्शन का वैल्यू फॉर x = 0, 1, 5 कैलकुलेट किए, 2, 7 अनगिनत कैलकुलेट कर सकते हैं, -1, -1, -2, -1। एक्चुअली हर वर्टिकल लाइन पे डॉट्स हम बना सकते हैं, हम x = -1 लाइन पे जो डॉट है वो 1 हाइट पे, x = -2 लाइन पे जो डॉट है वो -1 हाइट पे, x = 0 पे जो हाइट है वो 3 हाइट पे है। सब डॉट्स प्लॉट कर लेंगे, अजॉइन कर देंगे, एक ग्राफ बन जाएगा। पर हम लोग को इतना स्मार्ट होना है कि इस सब मेहनत किए बिना ग्राफ बना दें। जैसे ही हम लिखेंगे 2x + 3 बोले नहीं कि आप ग्राफ बना दिए, इतना हम लोग को होशियार हो, क्योंकि दो ही ना पढ़ना है, एक लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स दें अगर, तो कट से ग्राफ बना दीजिए।
और दूसरा क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक हम दे दिए, एनी ए बी सी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी टाइप के फंक्शन को लीनियर फंक्शन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इस शक्ल का होगा, समथिंग इनटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू एक्स प्लस समथिंग, इस समथिंग को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ए बी सी का वैल्यू हम जहां दिए, अब तुरंत मेरा बात समाप्त होते होते तक में आप ग्राफ बना लें। तो हम लोग के सिलेबस में यही है कि हम किसी भी मोनोमियल का ग्राफ बना लें और लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, यानी अलजेब्राइक फंक्शंस का जो झुंड है उस झुंड में से हमको बस इतने को सीखना है, थोड़ा सा और सीखना है, एक्स टू द पावर हाफ का ग्राफ, एक्स टू द पावर वन बाई थ्री का ग्राफ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, यानी जो मोनोमियल आप सीखेंगे उन्हीं का इनवर्स फंक्शंस बोलते हैं। साथ ही ना पढ़े थे आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, फोर्थ पावर एंड फोर्थ रूट, फिफ्थ पावर एंड फिफ्थ रूट, ये देखो दीज फंक्शंस दे गो टुगेदर। तो हम लोग को ये सारे मोनोमियल्स का और इनको बोलते हैं उनका इनवर्स फंक्शंस, ऐसा नाम से क्यों संबोधित करते हैं वो बाद में सीखेंगे। तो उन सब का ग्राफ आना चाहिए, दो पॉलिनोमियल का, लीनियर और क्वाड्रेटिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मोनोमियल एक्स टू द पावर वन। जितना भी मोनोमियल्स है उन सब को हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। स्क्वायर ऑफ एक्स को भी हम डिफाइन करेंगे फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्यूब ऑफ एक्स, यानी ऑल मोनोमियल्स का डोमेन सेम है। लेकिन फंक्शन सब अलग अलग है, इस फंक्शन के सेट में अगर एक नंबर यहां से लिए जीरो तो जीरो है, यहां से लिए वन तो आउटपुट वन रिटर्न करेगा, वन टू द पावर वन। डोमेन में से एक नंबर लिए टू तो ये फंक्शन टू रिटर्न कर देगा, थ्री लीजिएगा तो थ्री, माइनस फाइव लीजिएगा वही नंबर लीजिए सकते हैं आप जो डोमेन में है तो ये फंक्शन माइनस फाइव रिटर्न करेगा, डॉट डॉट। लेकिन आप इस फंक्शन के सेट में जीरो डालिएगा तो जीरो रिटर्न करेगा, वन डालिएगा तो वन, जीरो और वन के बीच में भी बहुत नंबर्स है, अगर हम हाफ डालते तो हाफ रिटर्न करता, यहां हाफ डालते तो वन बाई फोर रिटर्न करता, हाफ का स्क्वायर। यहां टू डालिएगा तो फोर रिटर्न करेगा, टू नहीं रिटर्न करेगा, थ्री डालिएगा तो नाइन रिटर्न करेगा, थ्री नहीं रिटर्न करेगा, माइनस फाइव डालिएगा तो पच्चीस रिटर्न करेगा, माइनस फाइव रिटर्न नहीं करेगा। यानी ये सेट जो स्क्वायर फंक्शन का सेट है और ये सेट जो एक्स टू द पावर वन या सिंपली एक्स ही बोलते हैं, तो ये दोनों सेट सेम नहीं है, कुछ एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है बट सेट सेम नहीं है। उसी तरह से एक्स क्यूब फंक्शन के सेट में भी शायद ये 0011 मिले लेकिन हाफ कॉमा 1 बाई 8 होगा, 2 कॉमा 8 होगा, 3 कॉमा 27 होगा, माइनस 5 कॉमा माइनस 125 होगा, डॉट डॉट डॉट। सो दीज फंक्शंस आर नॉट सेम फंक्शंस। ये है, सेट को देख के आप बता सकते हैं कि दीज फंक्शंस आर डिफरेंट। अब एक एक करके हम इन सब का ग्राफ बनाएंगे। इधर y एक्सिस के अलोंग फंक्शन के वैल्यूज को प्लॉट करेंगे और x एक्सिस के अलोंग इसके x के वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, इनपुट्स को। यहां खूब सारा वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस कल्पना कर लीजिए कि बना हुआ है, x इक्वल टू यहां नंबर्स कल्पना कीजिए कि लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, 1, 2, 3, 4। हम अगर इस फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, इसमें 0 डालने पर ये 0 रिटर्न करता है, 1 डालने पे 1, 2 डालने पे 2। इस फंक्शन में जो नंबर डालिएगा
वही नंबर रिटर्न कर देता है। इसीलिए इस फंक्शन का एक नाम है आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इस फंक्शन। इसलिए बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्योंकि ये फंक्शन इनपुट के आइडेंटिटी को नहीं बदलता है, उसके पहचान को नहीं बदलता है। वन डालने पर वन ही रिटर्न कर देता है, टू डालने पर टू ही रिटर्न कर देता है, जबकि ये सारा फंक्शंस इनपुट के आइडेंटिटी को, पहचान को बदल देता है। टू डालने पे फोर रिटर्न कर देगा, थ्री डालने पे एट रिटर्न कर देगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस फंक्शन का एक वैकल्पिक नाम भी है आइडेंटिटी फंक्शन। जीरो पे जीरो, माइनस वन पे माइनस वन, माइनस टू पे, हमेशा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव करना होता है। डॉट्स इधर से डालना शुरू करना पड़ता है, खूब दूर से। अब हम सारा डॉट्स नहीं डाल सकते हैं, फ्यू डॉट्स ज्वाइन कर रहे हैं। ये मेरा ग्राफ है x टू दी पावर वन, यानी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। जो जो डॉट्स इस पूरे एक्स वाई प्लेन में डॉट से भरा है, जो जो डॉट्स इस सेट में दिख रहा है पेयर ऑफ नंबर्स के रूप में, बस उन्हीं को खोज खोज के हम ज्वाइन करें। फिर x इक्वल टू स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, तो ऐसे बनेगा जीरो से जीरो जीरो, फिर वन वन, फिर टू पे फोर एंड थ्री पे नाइन एंड सो ऑन एंड सो फोर, माइनस वन पे वन, माइनस टू पे फोर, माइनस थ्री पे नाइन एंड सो ऑन एंड सो फोर। दिस इज द ग्राफ ऑफ स्क्वायर फंक्शन। यहां नोटिस करना है बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, ये फंक्शन इस ग्राफ को हम ऐसे लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट, इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट लीजिए तो उसका x कोऑर्डिनेट अगर x है तो उसका y कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x है, और इस ग्राफ का नाम है y बराबर x, यानी y कोऑर्डिनेट इस ग्राफ पे जितना भी पॉइंट्स है उन सब का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू है उनके x कोऑर्डिनेट। जैसे आप यहां पे कोई x इक्वल टू थ्री लाइन पे, ये डॉट का y कोऑर्डिनेट 3 है, इस फंक्शन का ग्राफ आप बना रहे हैं इसका। लेकिन स्क्वायर फंक्शन का जब चित्र बना रहे हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट 9 है, क्यूब का बनाएंगे तो 27 हो जाएगा। दो पॉइंट 0, 0 और 1, 1 दोनों ग्राफ पे है, दोनों के सेट में है, तो इसलिए दो जगह देखिएगा ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट तभी करता है जब वो पॉइंट दोनों फंक्शन के सेट में हो। जीरो और वन के बीच में देखिए हम स्क्वायर फंक्शन के ग्राफ को नीचे बनाए हैं एक्स फंक्शन के ग्राफ से, उसको हम मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं। जीरो जीरो, जीरो से लेके वन के बीच में, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू वन के बीच में स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ नीचे दिखाए हैं एक्स फंक्शन से, और एक्स इक्वल टू वन के बाद जो स्क्वायर फंक्शन का डॉट्स है वो एक्स फंक्शन के डॉट से ऊपर दिखाए हैं। क्यों समझिए, अब एक्स इक्वल टू हाफ पे ये फंक्शन, एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है उसका डॉट का ऊंचाई हाफ है, हाफ कॉमा हाफ, लेकिन स्क्वायर फंक्शन का जो डॉट है उसका वाई कोऑर्डिनेट है हाफ का स्क्वायर, विच इज 1/4, यानी 1/4 हाइट हो गया। अब ये हाइट है हाफ, वन का आधा, और ये डॉट है 1/4 उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो नोटिसेबल बात ये है कि जीरो से वन के बीच में किसी भी नंबर का जब स्क्वायर कीजिएगा तो वो और छोटा नंबर हो जाएगा। जैसे स्क्वायर कीजिएगा अगर हाफ डालिएगा तो जो नंबर रिटर्न करेगा वो हाफ से छोटा है, ये 1/4 इससे छोटा नंबर है। यही टू डालिएगा तो आउटपुट टू से बड़ा नंबर आएगा। इसीलिए x इक्वल टू जीरो से वन के बीच में फॉर एवरी x, x स्क्वायर का वैल्यू ये हाइट है, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द x कोऑर्डिनेट,
और ये हाइट है x, तो x इक्वल टू जीरो से लेकर के वन के बीच में कोई भी नंबर के लिए स्क्वायर कीजिएगा तो उसका वैल्यू उस नंबर से छोटा होगा। इसीलिए डॉट सब ये हाइट, अगर ये कोऑर्डिनेट x है तो ये हाइट है x और ये हाइट है स्क्वायर ऑफ x, क्योंकि स्क्वायर ऑफ x का वैल्यू x से छोटा होगा। और यही x ग्रेटर देन वन इस इंटरवल में देखिएगा तो स्क्वायर ऑफ x का वैल्यू x से बड़ा होगा। तभी तो यहां पे कोई नंबर x है, ये हाइट x के बराबर है, जो नंबर ये है उतना ही y कोऑर्डिनेट है, पर ये हाइट स्क्वायर ऑफ x के बराबर है। चूंकि स्क्वायर ऑफ x का वैल्यू x से बड़ा होगा x इक्वल टू वन के दाहिने तरफ, इसीलिए स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ 0 से 1 इंटरवल में y बराबर x ग्राफ से नीचे नीचे रहा है, 1 पे आकर के डॉट का हाइट बराबर हो गया है, x स्क्वायर का वैल्यू और x का वैल्यू बराबर हो जाता है x इक्वल टू 0 पे और 1 पे। डाल के देखिए, x इक्वल टू 0 डालिए, दोनों तरफ वैल्यू सेम मिलेगा आपको, 0 स्क्वायर एंड 0, 1 डालिए, दोनों तरफ का वैल्यू सेम मिलेगा। तो दो जगह ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, 0 से 1 के बीच में x स्क्वायर ग्राफ x ग्राफ से नीचे और 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में x स्क्वायर ग्राफ x ग्राफ से ऊपर। और भी इंपॉर्टेंट बात है यहां देखने लायक, हम x स्क्वायर फंक्शन के बारे में पूछे कि उसका स्वभाव बताइए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्वभाव। तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में ये डिक्रीजिंग स्वभाव का है और x इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ये इंक्रीजिंग स्वभाव का है, जबकि ये ग्राफ लगातार इंक्रीजिंग, x इक्वल टू यहाँ पे जब आप हैं वर्टिकल लाइन तो y कोऑर्डिनेट यहाँ है, दाहिने तरफ घसकाए तो y कोऑर्डिनेट ऊपर उठ गया, यानी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जब बढ़िएगा x को तो y कोऑर्डिनेट्स भी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये वाला फंक्शन अपने पूरे डोमेन में लगातार इंक्रीज करता है, जबकि ये वाला फंक्शन का ग्राफ माइनस इंफिनिटी, ये ग्राफ अनंत है, से लेकर के x इक्वल टू 0 के बीच में डिक्रीज करता है और फिर फंक्शन का वैल्यूज इंक्रीज करने लगता है। यानी आप x स्क्वायर में डालेंगे -4 तो फंक्शन का वैल्यू आया 16, अब बड़ा नंबर डालिए -3 लेकिन आउटपुट छोटा हो गया पहले से, x के वैल्यू को और बड़ा कीजिए -2 आउटपुट और छोटा हो गया 4 आ गया, और x इक्वल टू 0 के बाद फंक्शन का वैल्यूज बढ़ने लगता है, यानी स्वभाव बदल जाता है। x क्यूब का ग्राफ 0,0 से वहां भी ये पॉइंट उस पर भी है, 1 पे हाइट 1 है, 2 पे हाइट 8 है, बड़ी ऊपर ये 4 है 8, 3 पे 27 है, यानी x क्यूब का ग्राफ जो है 0 से 1 के बीच में और नीचे से गुजरता है x स्क्वायर के भी नीचे, और फिर 1 पे कट करके बड़ा तेजी से ऊपर की ओर उठता है, स्टीप बोलते हैं। अगर बहुत चढ़ाई हो सड़क पे आप चलें, ऐसा चढ़ाई और ऐसा चढ़ाई कहीं मिले तो इसको बोलते हैं जेंटल चढ़ाई है, या जेंटल स्लोप बोलते हैं, और इसको स्टीप स्लोप बोलते हैं, खड़ा है काफी। तो 0 से 1 के बीच में जब आप एक्स क्यूब फैक्ट्री में कोई नंबर डालिए, हाफ डालिए 0 से 1 के बीच में एक नंबर तीनों में, तो ये जो नंबर रिटर्न करेगा हाफ, यहां पे देखिए हाफ पे आप हाफ ऊंचाई पे एक डॉट बनाएंगे, आज स्क्वायर फंक्शन जो रिटर्न करेगा नंबर 1/4 उससे छोटा है, इसीलिए स्क्वायर फंक्शन वाला डॉट उसके नीचे, और इसमें डालिएगा तो 1/2 क्यूब यानी 1/8, डिनोमिनेटर जैसे जैसे बड़ा, अभी 1/8 है, 0 से 1 के बीच का दूरी को 8 बराबर हिस्सों में बांटिए, एक हिस्सा को 1/8 बोलते हैं, तो और
छोटा नंबर आएगा, इसीलिए क्यूब ग्राफ थोड़ा और चपटा जैसा होता है जीरो के निकट, धीरे धीरे उठता है, x इक्वल टू हाफ पे उसका हाइट 1/8 होगा, फिर बढ़ते बढ़ते 1 पे वो आते आते फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाता है, और इसके बाद फिर उसका ग्राफ x स्क्वायर ग्राफ से भी ऊपर ऊपर डॉट्स होगा, क्योंकि अब इस फैक्ट्री में 1 से बड़ा नंबर डालिएगा तो सबसे बड़ा नंबर ये होगा, 2 डालिएगा तो 8, 4, 2, और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x पे तो फंक्शन का वैल्यूज नेगेटिव होता है, ऑड फंक्शन है, इसीलिए x क्यूब का दाहिना ग्राफ पॉजिटिव हाफ में ग्राफ अगर बन गया, बड़ी खड़ा हो जाता है ग्राफ, यानी थोड़ा थोड़ा भी आप x का वैल्यू बदलिएगा ना, थोड़ा थोड़ा भी घसकिएगा x के वैल्यूज को थोड़ा भी, तो y के वैल्यूज में बहुत बहुत आपको बदलाव मिलेगा, क्यूब ग्राफ काफी खड़ा जैसा दिखता है। तो अगर आप पॉजिटिव हाफ में ग्राफ बना लिए हैं तो नेगेटिव हाफ में ग्राफ उसका मिरर इमेज का मिरर इमेज यानी ऐसा ग्राफ बनेगा, दैट इज द ग्राफ ऑफ x क्यूब। x क्यूब फंक्शन एक ऑड फंक्शन था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अपने पूरे डोमेन में फंक्शन का वैल्यू बढ़ता ही जाता है। x टू द पावर 1 भी ऑड था, साबित करें लेट f ऑफ x बराबर x, देन f ऑफ माइनस x विल बी इक्वल टू x के जगह माइनस x लिख दीजिए। अब इन दोनों में संबंध देखिए, दिस इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, यानी x फंक्शन भी x टू द पावर 1 फंक्शन भी ऑड था, x क्यूब भी ऑड है। अब x टू द पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे, x स्क्वायर इवन था, x के जगह माइनस x लिखने पर फंक्शन जस के तस रह जाएगा, और ये भी इवन है। फिर x टू द पावर 5 ऑड है, तो x टू द पावर 4 का ग्राफ भी ऐसा ही होगा x स्क्वायर जैसा, थोड़ा और चपटा होगा 0 और 1 के बीच में, और फिर 1 पे क्रॉस करके फिर x क्यूब से भी ज्यादा खड़ा ग्राफ होगा, और इधर का ग्राफ उसी का मिरर इमेज ग्राफ बनेगा, यानी x टू द पावर 4 का ग्राफ यहां और नीचे से गुजरेगा चपटा, थोड़ा थोड़ा ग्राफ का हाइट उठेगा, x इक्वल टू हाफ पे y कोऑर्डिनेट होगा 1/2 टू द पावर 4 यानी 1/16 थोड़ा सा ऊपर, फिर ग्राफ 1 पे क्रॉस करेगा और फिर बहुत तेजी से भागेगा, x इक्वल टू 1 पे 2 पे हाइट 2 टू द पावर 4 16, x इक्वल टू 3 पे 3 टू द पावर 4 81, यानी x का वैल्यू आप थोड़ा थोड़ा भी बदल रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू में बहुत बहुत बदलाव मिलने वाला है। अब x टू द पावर 4 इवन था, अब x टू द पावर 5 फिर ऑड है, यानी उसका ग्राफ अगर दाहिने तरफ बना लीजिए जो बिल्कुल थोड़ा और चपटा होगा 0 से 1 के बीच में, 1 पे आते आते हाइट उसका भी बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा, फिर x टू द पावर 4 से भी ज्यादा खड़ा, और नेगेटिव हाफ में उसका ग्राफ बस मिरर इमेज का मिरर इमेज, यानी x टू द पावर 5 का ग्राफ देखने में बिल्कुल x टू द पावर 3 के ग्राफ जैसा लगेगा। फिर x टू द पावर 6 का ग्राफ x टू द पावर 2 जैसा लगेगा, x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा, x टू द पावर 4 का ग्राफ ऐसा 0 से 1 के बीच में, उससे x टू द पावर 6 का ग्राफ और थोड़ा चपटा, यानी सारा जो इवन पावर्स वाला मोनोमियल्स है x स्क्वायर, x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, x टू द पावर 8, x टू द पावर 10, उन सब का ग्राफ, दे आर ऑल इवन फंक्शंस, तो उन सब का ग्राफ का शक्ल एक ही जैसा होगा, वही चपटा होता जाएगा लेकिन सिमेट्रिक होगा अबाउट द वाई एक्सिस, और जितना भी इसमें x टू द पावर 3, x टू द पावर 5, x टू द पावर 7, x टू द पावर 9, x टू द पावर 1, दीज आर ऑल ऑड फंक्शंस। x टू द पावर 1 तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन x क्यूब, x टू द पावर 5, x टू द पावर 7, x टू द पावर 9 सब का ग्राफ का शक्ल एक ही जैसा होता है, केवल 0 से 1 के बीच में आपको शक्ल एक जैसा होता है, ग्राफ सेम नहीं होता है, शक्ल सिमिलर होता है। अब अगर हम आज के बाद आपसे कहें कि आप x टू द पावर
237 का ग्राफ बनाइए, तो आप जैसे ही एक मोनोमियल है ऑफ डिग्री 237, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी तक ग्राफ बनेगा, और इसका शक्ल x क्यूब जैसा होगा, एक ऑड फंक्शन है। पॉजिटिव हाफ में ग्राफ 0 से 1 के बीच में एकदम चपटा, 1 आते आते उसका हाइट हो जाएगा 1, 0 पे 0, और बड़ी तेजी से ये ग्राफ एकदम खड़ा जैसा इंक्रीज करता जाएगा। और नेगेटिव हाफ में मिरर इमेज इन द y एक्सिस का मिरर इमेज इन द x एक्सिस इसी शक्ल का होगा x टू द पावर 237 का ग्राफ। और अगर कहें कि x टू द पावर 2020 का ग्राफ बनाइए, अगर ये इवन नंबर है, इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, इधर से उधर का ग्राफ बनेगा। लेकिन इवन नंबर है तो इसका ग्राफ x स्क्वायर या x टू द पावर 4 के शक्ल का होगा, थोड़ा और नीचे से, ये बड़ा नंबर है उससे, तो 0 से 1 के बीच में इस फंक्शन का वैल्यूज उससे छोटा नंबर रिटर्न करेगा, उसमें हाफ डालिएगा तो ये 1/2 to the power 237 रिटर्न करेगा, और इसमें हाफ डालिएगा तो 1/2 to the power 2020। ये डिनोमिनेटर लार्ज है इसके तुलना में, तो ये नंबर उससे छोटा है, तो इसलिए ग्राफ का डॉट्स और नीचे से गुजरेगा एकदम सट के, फिर 1 आते आते तो हाइट 1 हो जाएगा। इन सभी मोनोमियल्स के सेट में दो एलिमेंट है जो सब में पाया जाता है, सभी का ग्राफ यहां से और यहां से तो गुजरना ही है, इसके बाद और खड़ा हो जाएगा ग्राफ, और खड़ा, इससे भी हर वैल्यूज ऑफ एक्स पे इसका जो भी हाइट होगा एक्स टू द पावर 237 उससे बड़ा होगा एक्स टू द पावर 2020 का वैल्यू। और चूंकि ये इवन फंक्शन है तो इस तरफ का ग्राफ फिर बस उसी का मिरर इमेज हम लोग ले लेंगे इन द वाई एक्सिस। यही हम लोग सीखा है आज के बाद, जैसे ही आप x टू द पावर कोई नेचुरल नंबर का ग्राफ बोलिएगा कि बनाइए, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप तुरंत बता देंगे, आप सभी का रेंज भी बता देंगे। देखिए रेंज x टू द पावर 1 के हर पॉइंट का y x कोऑर्डिनेट ड्रॉप कीजिए प्रोजेक्शन, तो दैट इज द डोमेन, और y कोऑर्डिनेट्स निकालिए तो रेंज मिलेगा। तो जितना भी x टू द पावर 1, x टू द पावर 3, x टू द पावर 5 वगैरह वगैरह मोनोमियल्स है, इन सभी फैक्ट्रीज का रेंज भी आर ही है। डोमेन तो सबका आर है, हम लोग डिफाइन किए हैं सभी मोनोमियल्स को फॉर ऑल रियल नंबर्स, किसी भी मोनोमियल का डोमेन पूछिएगा तो आर, उसमें बेहिचक तुरंत बोलना है। रेंज सबका सेम नहीं है, एक्स क्यूब का ग्राफ नीचे से लेके ऊपर तक फैला हुआ है, उनका वाई कोऑर्डिनेट सब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पाया जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट्स भी, और जितना भी इवन पावर्ड डिग्री वाला मोनोमियल्स है एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स टू द पावर 6 डॉट डॉट डॉट, डोमेन तो खैर सबका आर है, ये हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन रेंज फंक्शन तय करता है। माने एक्चुअली में हम इन डोमेन में के सभी नंबर्स को बारी बारी से डालेंगे, अब फंक्शन जो वैल्यूज रिटर्न करेगा उस झोला को हम डिफाइन नहीं करते हैं, वो फंक्शन अब तय करेगा, ये हम तय करते हैं। तो इन सभी फंक्शंस का रेंज क्या दिख रहा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ वाई बराबर 0 से लेकर वाई बराबर इन्फिनिटी के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसा ऐसी फैलाओ और ऐसा ऐसी फैलाओ, तो सभी फंक्शंस का रेंज है 0 से लेके प्लस इंफिनिटी में ही वैल्यूज रिटर्न करेगा, ये सब फंक्शंस केवल नॉन नेगेटिव वैल्यूज रिटर्न करता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं रिटर्न करेगा कोई भी फंक्शन। सो वी हैव लर्न एवरीथिंग अबाउट मोनोमियल्स, हर मोनोमियल का हम डोमेन आर है, रेंज बता देंगे डिपेंड्स ऑन द डिग्री, उनका स्वभाव बता देंगे, अपने डोमेन में ये सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस होता है, x टू द पावर 5, x टू द पावर 7 लगातार बढ़ता ही चला जाता है, जबकि ये सब नेगेटिव हाफ में डिक्रीज करता है और पॉजिटिव हाफ में इंक्रीज करता है। मोनोमियल्स का ग्राफ अब हम लोग सीखते हैं। चलिए हम लोग कुछ सवाल
कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं 1 + x / 1 - x, और आपको साबित करना है f(x) + f(1 - f(1 by x) का वैल्यू इंडिपेंडेंट होगा ऑफ x गिवन। प्रूफ, आप पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ जाइए। हम एक फंक्शन डिफाइन किए हैं f(x) = 1 + x / 1 - x, जिसका मतलब अगर हम f(2) का वैल्यू पूछे तो आपको सिर्फ x के स्थान पे 2 डालना है और जो वैल्यू आएगा वही बताना है। अगर हम फंक्शन का वैल्यू पूछे फॉर x = 1/2, तो इसका मतलब आपको x के स्थान पे 1/2 डालना है और कैलकुलेट करके न्यूमरेटर हो गया 3/2 और डिनोमिनेटर हो गया 1/2, विच इज इक्वल टू 3/2 × 2/1। रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2/1, 2 और 2 कैंसिल आउट कर जाएगा और इसका वैल्यू 3 आएगा। अगर हम पूछें f(-3) का वैल्यू बताइए, मतलब x के जगह -3 डाल देना है, 1 - -3 विच इज -2 / 1 + 3, और वैल्यू इतना आप बताएंगे। ये दिया हुआ है एक फंक्शन, और आपको एक चीज प्रूफ करना है f(x) + f(1 by x) का वैल्यू इंडिपेंडेंट होगा ऑफ x, प्रूफ करना है। तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए। f(x) का मतलब तो डिफाइंड है, f(1 by x) का मतलब x के जगह 1 by x, तो 1 + 1 by x / 1 - 1 by x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर x + 1 by x और डिनोमिनेटर x - 1 by x, x x कैंसिल आउट कर जाएगा एंड दिस विल रिड्यूस टू इतना। अब f(x) और f(1 by x) दोनों को ऐड करें तो वो इक्वल टू 1 + x / 1 - x + x + 1 / x - 1। इसको हम 1 + x लिख सकते हैं क्योंकि प्लस कॉम्यूटेटिव है, और इसको हम 1 - x लिख के और एक यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब इतना माइनस इतना, ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। यानी हम ये साबित किए कि जो लेफ्ट हैंड साइड एक फंक्शन लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x, जैसे ये एक फंक्शन ऑफ x है, उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड एक फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है। किसी भी चीज का वैल्यू जब डिपेंड करता हो किसी अन्य क्वांटिटी पे, जैसे इसका वैल्यू डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू जब 2 देंगे तो ये कुछ और नंबर रिटर्न करेगा, x का वैल्यू जब -3 देंगे तो कुछ और वैल्यू रिटर्न करेगा। यानी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए ये फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न करेगा। इसी को कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x, यानी x के मान पे निर्भर है इसका वैल्यू। आपको साबित करना था कि अगर हम इस फंक्शन का वैल्यू निकालें फॉर x = 2 and x = 1/2, यही लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों को ऐड करें, या हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह 3 डालें और f(3) का वैल्यू निकाल के
और एफ ऑफ 1/3 का वैल्यू निकालें, या हम x के जगह 4 डालें एंड 1/x, तो हर बार ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगा। यही प्रूफ करना था, यानी अलग अलग x का वैल्यू डालने से इसका वैल्यू x पे निर्भर नहीं करेगा, यानी आप x के स्थान पे कोई भी संख्या डालिए, हर बार ये सेम नंबर रिटर्न करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यही साबित करना था और कर तो दिए कि फंक्शन का वैल्यू फॉर एक्स एंड फंक्शन का वैल्यू फॉर रेसिप्रोकल ऑफ एक्स जोड़ने पर हमेशा शून्य आएगा। अगर आप एक्स के जगह 3 डाल करके आप एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 1/3 का वैल्यू भी निकालते तो वो भी शून्य आएगा, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ हाफ का वैल्यू भी शून्य आएगा। अभी हम साबित किए एफ ऑफ एनी नंबर -3/2 और इसका रेसिप्रोकल इज -2/3। फंक्शन का वैल्यू दोनों जगह निकाल के अगर ऐड कीजिएगा तो वो भी जीरो ही आएगा। यही हम साबित किए हैं और यही करना था, शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के स्थान पे कोई भी संख्या लिखिए इस फंक्शन का वैल्यू सेम आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन दिया है ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑल रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइंड है क्योंकि ये बनाया गया है, ये फंक्शन हम बनाए हैं मोनोमियल्स का इस्तेमाल करके और मोनोमियल्स को हम लोग डिफाइन किए हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी कि हम f का वैल्यू पूछ सकते हैं फॉर x इक्वल टू -2/3, तो आप x के जगह -2/3 डालेंगे और कैलकुलेट करके बता देंगे 5 × -2/3 का क्यूब, 3 × -2/3 -7, माइनस बाहर ले लेंगे 5 × 2³ 8 हो गया 40/3 -40/3, यहाँ -3 कट गया -2 -7। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके -9 लिख दें, इसमें से माइनस कॉमन लेकर के 40/3 प्लस 9, तो 9 × 3 = 27 प्लस 40 = 67 -67/3। फंक्शन का वैल्यू फॉर x इक्वल टू -2/3 कैलकुलेट किए हम लोग इक्वल टू -67/3। इस फंक्शन का वैल्यू हम किसी भी रियल नंबर के लिए पूछ सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन है फॉर ऑल रियल नंबर्स। अगर इसी में हम एक टर्म ऐड कर देते 7√x, अब हम इस फंक्शन का वैल्यू पूछते x इक्वल टू -2/3 पर, तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है फॉर -2/3 क्योंकि ये वाला फंक्शन नॉट डिफाइंड है फॉर नेगेटिव नंबर्स। तो अभी हम एक ऐसा फंक्शन दिए हैं और सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये फंक्शन जिसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स, यानी इसका ग्राफ x इक्वल टू -∞ से x इक्वल टू +∞ तक बनेगा। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये फंक्शन इवन या ऑड में से कोई है या नहीं है, तो चेक करके देखें हम लोग। लेट fx बराबर तो दिया है, हमेशा हम लोग इस फंक्शन को चेक करना है इवन है या ऑड है, तो हम लोग इसी प्रकार चेक करते हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू देन f ऑफ -x, फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल -x हम लोग निकालेंगे, x के स्थान पे -x डाल के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -5x³ -3x -7। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इस फंक्शन को ऐसे लिख ले सकते हैं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू fx। f ऑफ -x अगर ये इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन आ जाता तो कहते कि ये फंक्शन इवन है,
अगर ये इक्वल टू माइनस ऑफ इतना आ जाता, वो भी नहीं आया है, क्योंकि ये 5x³ + 3x + 7 है और एफ ऑफ एक्स हम इसको बोले थे, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू ना ही इक्वल टू एफ एक्स है और ना ही इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है, यानी कि ये फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ऑड है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन इवन हो ही या ऑड हो ही, वो तो दोनों में से कुछ नहीं भी हो सकता है। सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां हम फंक्शन दे रहे हैं एक 2x + 3। 2x + 3 का डोमेन ऑफ डेफिनेशन हम सब जानते हैं, ऑल रियल नंबर्स, यानी हम रियल नंबर लाइन पे कोई भी नंबर हम उठाएं और कहें कि से x = 5/2 और कहें कि इसके डालने पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो आप तुरंत कैलकुलेट करके एक रियल नंबर हमको जवाब दे देंगे। सिर्फ करना यह है कि इसमें x के स्थान पे 5/2 डालना है और कैलकुलेट करके एक जवाब में रियल नंबर दे देंगे। अगर हम इसमें x डालेंगे तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो लिखा हुआ है ये 2x + 3 रिटर्न करेगा। अगर हम आर्म डालेंगे तो ये फंक्शन 2 × आर्म + 3 रिटर्न करेगा। तो अगर हम -5/3 डालेंगे तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये जवाब देना बहुत आसान है, खाली x के जगह -5/3 यानी 2 × −5/3 + 3 रिटर्न करेगा। अगर आप x के जगह -5/3 डालिएगा तो फंक्शन ये रिटर्न करेगा। तो हम ये जोड़ा जोड़ा में लिख सकते हैं, हम अगर पहला नंबर बता दें इस फंक्शन के सेट का कोई एक एलिमेंट है, उस जोड़ा का पहला संख्या बता दें तो दूसरा संख्या आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, -10/3 2 × −5 + 3 और इसको ऐड कर लें -10 + 9 और -1/3 आप तुरंत बता देंगे। अगर हम ये संख्या बता दें तो उसका आप जोड़ा बता देंगे, और अगर हम ये संख्या बता दें और हम उसका जोड़ा पूछें, हम लोग इस संख्या को बोलते हैं इस संख्या का इमेज और इस संख्या को बोलते हैं इस संख्या का इनवर्स इमेज या प्री इमेज भी बोलते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि हम अगर आपको इस डोमेन में से कोई एक नंबर उठाएं और उसका हम इमेज पूछें, तो आप तुरंत उस संख्या को x के स्थान पर लिखेंगे और जवाब दे देंगे। लेकिन उल्टा पूछें तो हम इसके रेंज में से एक संख्या उठाएं और उसका हम प्री इमेज पूछें, तो जवाब कैसे देंगे। तो इस प्रकार हम इस बार 2x + 3 का वैल्यू दिए हैं कि -1/3 होना चाहिए। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा, क्या डालने पर इसका वैल्यू इतना के बराबर होगा। तो इस बार इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक इक्वेशन बोलते हैं, इसको एक इक्वेशन लिखना होगा और इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे ये हम लोग 10वां क्लास में सीखे हैं, उसको लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं और इस फंक्शन को लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना चूंकि हम 10वां क्लास में सीखे हैं, हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे, 2 स्टेप में सॉल्व होता है। हम जो स्टेप्स यहां लिखेंगे उन स्टेप्स को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम इक्वेशन के शक्ल को बदलते हैं, इक्वेशन नहीं बदलते, इक्वेशन के शक्ल को बदलते हैं। जैसे हम इस नंबर में और इस नंबर में दोनों तरफ ऐड कर दें -3 दोनों तरफ, तो यहां लिखा है दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर। ये कोई नंबर है, रियल नंबर, और ये भी एक नंबर है, और बीच में लिखा है दीज टू नंबर्स आर इक्वल। तो अगर हम इस नंबर में कोई नंबर ऐड कर दें
और दाहिने वाले नंबर में भी सेम नंबर ऐड कर दें, तो अभी भी ये दोनों नंबर, अब ये नया नंबर है, ये भी नया, लेकिन अभी भी ये दोनों बराबर होगा। अगर ए एक नंबर है जो बी के बराबर है, तो दोनों तरफ अगर हम लाइक नंबर ऐड कर दें, तो अब ये नंबर भी निश्चित रूप से इस नंबर के बराबर होगा। तो हम ऐड कर दिए, क्यों ऐड किए हैं वो क्लियर होना चाहिए। हमारा सारा उद्देश्य है कि इसको ट्रांसफॉर्म करते 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 यहां तक पहुंचना है, एक्स का वैल्यू ढूंढना है। तो हम फर्स्ट स्टेप दोनों तरफ माइनस थ्री ऐड किए, थ्री माइनस थ्री का वैल्यू जीरो लिखेंगे और जीरो प्लस टू एक्स का वैल्यू को टू एक्स लिखेंगे। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के ऐड कर देंगे तो माइनस दस बटे तीन। अब हम दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई किए हैं दोनों तरफ के नंबर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब दोनों नंबर अभी भी बराबर होगा। अगर ए और बी बराबर है तो दो गुने ए और दो गुने बी भी बराबर होगा। तो हम हाफ से मल्टीप्लाई किए हैं ताकि हाफ इंटू टू को काट दें, वन बचे, हाफ इंटू टू को वन लिखें, वन इंटू एक्स को एक्स लिखें, और इस प्रकार हम एक्स का वैल्यू तक पहुंच गए, दो से काटे, ये आंसर आ गया। तो ये जो सारा स्टेप्स यहाँ लिखा है, इन स्टेप्स में हम इस इक्वेशन को कभी भी नहीं बदले हैं, द इक्वेशन इज स्टिल द सेम, लेकिन हम उसके शक्ल को बदलते गए हैं। इन प्रोसेसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ये ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग को कोई मैथमेटिशियन सिखाया है, हम लोग उसको दसवां नौवां क्लास में या दसवां क्लास में इन ट्रांसफॉर्मेशंस को सीखे थे। जब तक नहीं सीखे होते तब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। माइनस फाइव बाई थ्री का इमेज पूछते तो बड़ी आसानी से जवाब दे देते हैं, केवल एक्स के स्थान पर डालना था, कैलकुलेट करना था। लेकिन जब माइनस वन बाई थ्री का इनवर्स इमेज पूछेंगे तो अब हमको एक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। हम इस फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू इतना कब होगा, ये सवाल का जवाब देने के लिए हमको एक इक्वेशन लिखना होगा और सॉल्व करके एक्स का मान ढूंढना होगा। ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक फंक्शन हम दिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। इन फंक्शंस का ग्राफ हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इनको क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन या पॉपुलरली क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं। सिमिलर क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं। इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन तो है ऑल रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के तक सभी नंबर्स के लिए डिफाइन है। और अगर हम इसके डोमेन में से, इस फंक्शन के डोमेन में से कोई एक नंबर उठा लें, कोई एक नंबर माइनस एक बटे चार, और हम उसका इमेज पूछें, तो चूंकि आपको पता है कि ये फंक्शन में अगर एक्स डालते हैं तो ये एक्स को स्क्वायर करके और एक्स को तीन से गुना करके फिर दोनों संख्या को ऐड करके एक संख्या रिटर्न करता है, इसीलिए x इक्वल टू माइनस वन बाई फोर डालने पर ये क्या रिटर्न करेगा, ये सवाल का जवाब देना बहुत आसान है। हम x के जगह माइनस वन बाई फोर डालेंगे, स्क्वायर कर दिया और थ्री इंटू माइनस वन बाई फोर, अब कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बटे सोलह माइनस तीन बटे चार, ऊपर नीचे अगर हम चार से गुना कर दें तो ये वन बटे सोलह माइनस बारह बटे सोलह। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तब हम लोग सीखे हैं कि न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हम ऊपर नीचे चार से मल्टीप्लाई किए थे। अब इसका जवाब हो गया माइनस ग्यारह बटे सोलह। यानी हम ये सीखे कि इस फंक्शन में एक्स के जगह माइनस वन बाई फोर डालेंगे तो उसका इमेज आएगा माइनस ग्यारह बटे सोलह। लेकिन अब चिंता ये है कि अगर हम आपको ये नंबर दें और पूछें कि कौन सा नंबर डालने से फंक्शन ये नंबर रिटर्न करता है, यानी इस नंबर का आप इन्वर्स इमेज ढूंढ के बताइए। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक इक्वेशन लिखना होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का वैल्यू इक्वल टू माइनस ग्यारह बटे सोलह।
इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके हमको एक्स का मान ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्लास 10th में सीखे हैं। अगर नहीं सीखे होते, हमको कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते जाना है तब तक जब तक कि हमको x इक्वल टू तक जवाब तक नहीं पहुंच जाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स हम लोग क्लास 10th में सीखे थे। एक बार लिख के दिखाते हैं आपको कि कैसे हम लोग सॉल्व करते थे। वैसे तो हम लोग इस तरह के इक्वेशंस को अगर हम दोनों तरफ ऐड कर दें 11/16 और 16 से गुना कर दें 16x² + 48x + 11, तो अब इस तरह का इक्वेशंस का सॉल्यूशन लिखने के लिए हम लोग को वो सब स्टेप्स लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग रटे हुए हैं सीधे x इक्वल टू -48 + -48² - 4 × 16 × 11 = 4ac और डिवाइडेड बाई 2 × 16। हम लोग स्ट्रेट अवे आंसर बता देते हैं, पर अभी हम आपको वो सारा स्टेप्स करके दिखाएंगे, इसलिए क्योंकि एक मैथमेटिशियन को ये तो मालूम होना ही चाहिए कि हम तुरंत बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग को ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन मालूम हो। जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, 2x + 3 का वैल्यू इक्वल टू -5 कब होगा, सॉल्व करके x का मान बताइए, तो हम बड़ी तेजी से लिख देंगे आंसर, मन में कहेंगे कि 3 को उधर ले जाएंगे, ऐसा मन में बोलेंगे या आपस में बातचीत में भी बोल देंगे 3 को उधर ले जाते हैं तो -8 हो गया, और फिर कह देंगे कि अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो -4 बच गया, यानी और भी तेजी से सीधे आंसर लिख देंगे -4। परंतु केवल बोलने के लिए बोल दीजिए कि हम 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो स्टेप्स वो काफ़ी नॉन मैथमेटिकल है। एक मैथमेटिशियन इस तरह से बात नहीं करता है। हम लोग करेंगे ऐसे बात, लेकिन मालूम तो हो कि सही तरीका क्या है बोलने का। सही है कि हम कहेंगे कि दोनों तरफ हम ऐड किए हैं -3, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप है कि दोनों तरफ हम गुना किए हैं हाफ से, 2 से डिवाइड किए हैं नहीं, हाफ से गुना किए हैं। उसी प्रकार क्या क्या स्टेप्स होता है यहाँ, भविष्य में कभी हम कहें कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताइए तो आप झट से यही कर दीजिएगा, लेकिन अभी आपको ये सारा स्टेप्स हम दिखाने जा रहे हैं क्योंकि ये आवश्यक हम लोग के लिए है, ये आवश्यकता पड़ेगा हमको आगे, तो इसीलिए आप इन स्टेप्स को गौर से देखिए। स्टेप 1, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, सम लीनियर फंक्शन का स्क्वायर। कैसे? हम यहाँ पे कल्पना करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और 2 से डिवाइड, यानी x² + 2 × इतना × x, जिसको कि हम x + 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a² + 2ab प्लस एक बी स्क्वायर टर्म आएगा 9/4, तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चेक कीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ था तो लिखा हुआ x² + 3x, हम उसको परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर फंक्शन के परफेक्ट स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करना किए हैं एज माय फर्स्ट स्टेप। हम ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं ताकि आपको 2ab जैसा दिखे, a² + 2ab प्लस एक बी स्क्वायर नहीं था, तो इसीलिए हम जब a + b का होल स्क्वायर लिखे तो सब्ट्रैक्ट कर दिए बी स्क्वायर वाला टर्म को, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, हम दोनों तरफ ऐड करेंगे 9/4। सेकेंड स्टेप में हम दोनों तरफ ऐड करेंगे 9/4, 9/4 -11/16, ऊपर नीचे 4 से गुना करेंगे तो 36 - 11, 4 से गुना करेंगे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो 36 - 11 25/16 होगा।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, x प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, ए स्क्वायर बराबर 4 लिखा हो तो इट मीन्स ए का वैल्यू या तो प्लस रूट 4 है या माइनस रूट 4 है, तो हम यही यहाँ लिखे हैं। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लोग इसको प्लस माइनस 5/4 लिख दिए। अब हम x बराबर निकालने के लिए दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं माइनस 3/2, जिसको कि हम माइनस 6/4 लिख रहे हैं प्लस माइनस 5/4। अब इसको हम दोनों सॉल्यूशन को अलग अलग निकालें, एक सॉल्यूशन है माइनस 6/4 माइनस 5/4, दोनों जुट करके माइनस 11/4 होगा, और एक सॉल्यूशन है माइनस 6+5 यानी माइनस 1/4। यानी आप ये पता लगाए कि इस फंक्शन में दो नंबर है उसके डोमेन में, एक माइनस 11/4 और एक माइनस 1/4, दोनों डालने पर ये फंक्शन सेम नंबर रिटर्न करता है माइनस 11/16। तो हम अगर इस फंक्शन का वैल्यू पूछे होते फॉर x इक्वल टू माइनस 11/4, यानी x के स्थान पे आप डालते माइनस 11/4, तो भी वही जवाब आता। इसीलिए जब हम इसका इनवर्स इमेज पूछे तो आपको दो जवाब आया, यानी कि देर आर टू नंबर्स इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन फॉर विच द फंक्शन रिटर्न्स द सेम वैल्यू माइनस 11/16। चलिए हम वही समाप्त करते हैं, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ बनाएंगे लीनियर फंक्शन का। हम लोग मोनोमियल्स का ग्राफ तो बनाना सीख गए, x^1, x^2। अब हम ax+b टाइप का फंक्शन जिसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं, पॉपुलरली लीनियर फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, या पॉलिनोमियल बोलते हैं ऑफ डिग्री 1, और ax2+bx+c जिसको क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, या सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोग अब एक क्लास बिताएंगे इस तरह का फंक्शंस का ग्राफ बनाएंगे, a और b के स्थान पे कोई भी रियल नंबर बोल दीजिए, 2x+3, 5x+7, -x+9, और इसी तरह से ए बी सी के स्थान पे कोई भी रियल नंबर बोल दीजिए, हम तुरंत उसका ग्राफ बना लेंगे। ये हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।